अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार अजीम फ्रॉम नूर बाफ इंजीनियरिंग। आज डिलीवरी है एक प्लॉटर की और दो प्लॉटर्स की एक्चुअली, तो दोनों प्लॉटर मुल्तान जा रहे हैं। मैं आपको इनकी दिखाता हूँ। ये इनमें एक थोड़ा सा, एक तो रूटीन का है, एक थोड़ा सा डिफरेंट। ये है जी हमारा 5 इंच का प्लॉटर, और इसमें डिफरेंट ये है कि सबसे पहले तो ये डिफरेंट है कि इसमें जो वर्म है ये सारा स्टील का है। गियर वही है, स्टाइल वही है, सब कुछ वैसे ही है। इसमें जो वर्म है स्टील का है, इसका हॉपर स्टील है, इसकी टंकी स्टील है, इसका पाइप स्टील है, और इसका वर्म स्टील है, और इसकी बार डाई, इसकी हर चीज़ स्टील की बनी हुई है। इसका फ्रेम आयरन का ही है, और इसमें फ्रेम भी थोड़ा सा चेंज है, पहले स्टाइल का नहीं है, ये डिफरेंट स्टाइल है। और इसमें एक्स्ट्रा ये है कि सबसे पहले तो इसमें हीट कंट्रोलर दिया गया है कि आपने जितनी हीट रखनी है उतनी हीट रखने के बाद इसको छोड़ दें, ये खुद ही उस जगह पे ट्रिप कर जाएगा जब हीट का लेवल वहाँ तक पहुँचेगा। फिर इसमें ये वोल्टेज हैं, यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा, और ये नूर बाफ इंजीनियरिंग की प्लेट है। फिर इसमें बज़र भी लगा हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये बज़र होगा। और ये ऑन ऑफ है, और ये आ गया हमारा वॉल्यूम। बाकी परफॉर्मेंस में अल्हम्दुलिल्लाह नूर बाफ इंजीनियरिंग की मशीन्स बेहतरीन हैं, बेहतरीन परफॉर्म करती हैं। हमारे वर्म हर चीज़ एक ख़ास टेक्निक से बनाते हैं ताकि परफॉर्मेंस बेहतरीन हो। इस वर्म में, इस प्लॉटर में एक यूनिक बात ये है कि इस वर्म की लंबाई 36 इंच है, यानी कि 3 फुट। वो 3 फुट क्लाइंट की फरमाइश पर विद एक्स्ट्रा चार्जेस रखे गए हैं, और ये जो प्लॉटर है इसका जो वर्म स्टील का रखा गया है इसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए क्लाइंट ने, क्योंकि लाजमी बात है स्टील और लोहे के रेट में अच्छा खासा फ़र्क है। इससे पहले बहुत सारी आप वीडियोस देख चुके होंगे नूर बाफ इंजीनियरिंग के चैनल पे, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें हमने वर्किंग वीडियोस हैं जिनमें प्लॉटर्स की वर्किंग दिखाई गई है कि वो परफॉर्म कैसा करते हैं। इसमें हमने 5.5 HP 4 kW की इसमें मोटर लगी हुई है, अच्छे साइज़ का गियर लगा हुआ है ताकि लोड पूरा उठा सके ये, और अंडर लोड ही चले। ये प्लॉटर 3 फेज पर ही चलेगा, लेकिन इसके साथ भी हमने इन्वर्टर प्रोवाइड किया है, क्योंकि 3 फेज के बावजूद स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इन्वर्टर ही चाहिए होता है। इन्वर्टर 2 किस्म के होते हैं, एक 220 होते हैं, एक 380 होते हैं, यानी कि सिंगल फेज़ वाले इन्वर्टर और 3 फेज़ वाले इन्वर्टर। इस पर 3 फेज़ वाला इन्वर्टर लगेगा, लेकिन इन्वर्टर लाजमी है। इसका कलर भी डिफरेंट है, हमारे जो रूटीन का कलर है वो ये है जो इस मिक्सर पे होया हुआ है। ये 100 kg कैपेसिटी मिक्सर है आयरन में, ये वनडे के लिए तैयार किया गया। इस पे हमने क्लाइंट की फरमाइश पर हमने कलर भी डिफरेंट किया है। हम चीज़ें कस्टमाइज बनाते हैं, जैसी क्लाइंट को चाहिए होती है वैसी चीज़ बना देते हैं। अगर उन्हें कलर में डिफरेंस चाहिए, उन्हें साइज़ में डिफरेंस चाहिए, कोई भी चीज़ हो, हम क्लाइंट की वहाँ तक चीज़ें तस्लीम करते हैं जहाँ तक परफॉर्मेंस मुतासिर ना हो। और अगर कॉस्ट मुतासिर हो रही हो तो फिर वो क्लाइंट पे कर सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस पे हम क्लाइंट की कोई फरमाइश एक्सेप्ट नहीं करते अगर उनकी कोई फरमाइश उसके ख़िलाफ़, हमारी परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ हो। इसके अलावा हमारी वर्कशॉप में इस वक्त ये पंच मशीन्स बन रही हैं, ये इलेक्ट्रिक पंचेज हैं, और यहाँ पे जो अंडर प्रोसेस है ये इंशाल्लाह आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा। ये एक मिलिंग मशीन है, 10 इंच की मिलिंग मशीन है, इस पर 20 hp की मोटर लगेगी और एक बड़ा सारा गियर लगेगा। ये हमारा है जनाब डुप्लेक्स, ये अंडर प्रोडक्शन है, ये हैदराबाद जाएगा, और ये इंशाल्लाह ये कल मुकम्मल हो जाएगा सारा मुकम्मल, और उसके बाद इसको सिर्फ पेंट करेंगे और इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। एक वरम ये है और एक वरम ये है, इसमें ये सीढ़ियाँ भी लगाई हुई हैं। ये इसकी मोटर है, और एक मोटर हमने लगाई है नीचे, वो यहाँ पर लगेगी। हमने इसकी मोटर उतार के रखी हुई है, ये गियर लगा हुआ है साथ। इसके साथ और जो चीज़ जाएगी वो है जनाब ये पंच मशीन, ये फुल ऑटोमेटिक पंच है, बार निकलता जाएगा और पंच होता चला जाएगा। इसके साथ और भी चीज़ें हैं, इस पंच के साथ पूरा सेट होता है। उस सेट में एक ये पंच मशीन होती है, इससे पहले वाली कन्वेयर होती है,
ये तैयार है, इस पर रोलर्स लगेंगे और ये कन्वेयर होती है बाद वाली कन्वेयर हमारी, जो जब पंच होकर गिरता है साबुन तो इस कन्वेयर के ज़रिए आगे जाता है। और इन्हीं साहब का है ये एक 100 kg कैपेसिटी में स्टील में मिक्सर। और ये रही हमारी जनाब तेल वाली मशीनें, ये हमारी है थिक लिक्विड फिलिंग मशीन, यानी कि क्रीम वगैरह फिल करनी हो, शैम्पू करना हो तो वो चीज़ें फिल करती है। ये हमारा 150 kg का एक मिक्सर और ये 150 kg का एक और मिक्सर। और ये हमारी पंच मशीन हो गई एक और, ये 4 inch का प्लॉटर है, ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये हमारा एक 40 kg कैपेसिटी का मिक्सर है। ये रेडी हैं चीज़ें और ये इंशाल्लाह ये जाएंगी अंदरूनी सिंध, जानी है कहीं, अभी मुझे शहर का नाम याद नहीं। तो ये है जी नूर वाफ इंजीनियरिंग, खानेवाल में सिचुएटेड है, हमारी वर्कशॉप खानेवाल में है। और एक और चीज़ दिखानी थी, ये है हमारी पैलेट मशीन, ये 200 kg कैपेसिटी की पैलेट मशीन है, 1 घंटे में 200 kg पैलेट बना सकती है। इसमें 5 hp की 3-phase मोटर लगी हुई है साथ। और ये हमारा पड़ा है सीलर, ये 40 kg कैपेसिटी मिक्सर, ये 40 kg कैपेसिटी मिक्सर, ये एक चक्की भी पड़ी हुई है। एक क्लाइंट के ऑर्डर आया था तो हमने कहीं से बाहर से बनवाई थी, तो एक हमने एक्स्ट्रा बनवा के रख ली थी, अभी तक हमारे पास है। ये एक और 40 kg कैपेसिटी मिक्सर, ये जाएगा उस स्टील वाले प्लॉटर के साथ। हमारी वर्कशॉप सिचुएटेड है खानेवाल में, उसकी निशानी ये है, पता अवान चौक बिल मुकाबिल पंजाब पेट्रोलियम। ये रहे ना नूर वाफ इंजीनियरिंग, थैंक यू।